दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम। ये गाना तो आप सभी को याद ही होगा, ये गाना है फिल्म हम दिल दे चुके सनम का, जिसमें बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रोमांस देखने को मिला था। और यही वो पिक्चर है जहां से इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत भी हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों की लव स्टोरी जो है वो शादी तो नहीं पहुंच पाई, शादी तक नहीं पहुंच पाई है, जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ शादी कर काफी ज्यादा खुश हैं, तो वहीं सलमान खान अभी तक कुंवारे हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ऐश्वर्या राय अब भले ही अभिषेक बच्चन से शादी रचा चुकी हों, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो आज भी कहीं ना कहीं सलमान खान को नहीं भूल पाई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध, और आज हम आप सभी को इसी खास प्रोग्राम में बताने वाले हैं सलमान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि रिलेशनशिप के इतने साल बाद, ब्रेकअप होने के बाद, रिश्ता खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय सलमान को याद करती हुई नजर आती हैं। और ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा यूजर्स कह रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया है और ये साफ तौर पर कहा है कि ऐश्वर्या राय सलमान खान को शायद याद करती हैं, और उनकी याद में आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज कर जाती हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय जो है आज भी कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए उनके दिल में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर है। अब दर्शक ऐसा क्यों कह रहे हैं, फैंस ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको पता चलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो फिर बिना देरी के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। हर कोई जानता है कि सलमान और ऐश्वर्या एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों के प्यार को मंजिल नहीं मिल पाई और इन दोनों का प्यार अधूरा ही रह गया। तो वहीं आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन जहां एक तरफ अभिषेक बच्चन से शादी कर अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान अभी तक कुंवारे ही रह गए। सलमान खान शादी कब करेंगे, ये सवाल हर एक शख्स के जहन में है। लेकिन अब आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पुराने प्यार सलमान खान को याद करती हुई नजर आई हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। दरअसल ऐश्वर्या राय ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद से सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि ऐश्वर्या राय कहीं ना कहीं सलमान खान को आज भी भूल नहीं पाई है। फिल्म हम दिल दे चुके सनम से इनके प्यार की शुरुआत हुई थी, दोनों की शादी की खबरें भी खूब आसमान छू रही थी। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों की शादी नहीं हो पाई, जहां एक तरफ ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू बन चुकी हैं, तो वहीं सलमान खान अभी तक कुंवारे हैं। हाल ही में ऐश्वर्या राय को एयरपोर्ट पर ब्लैक कलर के आउटफिट में देखा गया, जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान को ऐश्वर्या राय अभी भी नहीं भूल पाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट पर ऐश्वर्या राय दिखाई दी तो इससे सलमान खान का क्या कनेक्शन है। दरअसल कनेक्शन ये है कि ऐश्वर्या राय को ब्लैक कलर काफी ज्यादा पसंद है, और सलमान खान हमेशा ही ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़ों में ही नजर आते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कमेंट भी किया और उन्होंने ये कहा कि सलमान खान ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़ों में दिखते हैं, तो इसी वजह से ऐश्वर्या राय भी उन्हें ही कॉपी कर रही हैं। वेल, ऐश्वर्या राय सलमान खान को कॉपी कर रही हैं या फिर ये तो हमें पता नहीं, लेकिन सलमान और ऐश्वर्या के प्यार के चर्चे आज भी खूब आसमान छू रहे हैं। हालांकि ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, लव स्टोरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी फैंस सलमान और ऐश्वर्या राय को साथ देखना चाहते हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे ध्यान से तो ऐश्वर्या राय एयरपोर्ट पर ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आई हैं, तो वहीं सलमान खान को तो ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़ों में ही देखा जाता है। ब्लैक कलर के कभी कोट पैंट में, कभी शर्ट पैंट में सलमान खान नजर आ ही जाते हैं। और ऐसे में सोशल मीडिया पर यह कहना
कि ऐश्वर्या राय सलमान खान को भूल नहीं पाई हैं और इसी वजह से उनकी याद में ब्लैक कलर के कपड़े वो भी ज्यादा पहनती हैं, तो भाई ये कहना गलत नहीं होगा। वेल फैंस हैं फैंस तो सलमान और ऐश्वर्या को साथ देखना चाहते हैं। अब भले ही इन दोनों की लव स्टोरी खत्म हो गई हो, अब भले ही ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू हो, अभिषेक बच्चन की पत्नी हो, जया बच्चन की बहू, और आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ फैंस यही चाहते हैं कि एक बार फिर से सलमान और ऐश्वर्या की जोड़ी बड़े पर्दे पर देखने को मिले। हालांकि ये पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अब हम आगे आपको बताते हैं कि आखिरकार सलमान और ऐश्वर्या की ये प्यारी सी लव स्टोरी शुरू कहां से हुई थी और कहां पर आकर खत्म हो गई। सलमान खान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी 1997 में शुरू हुई थी। सलमान उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे, वहीं ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में एंट्री की थी। ये वो दौर था जब सलमान का दिल सोनी अली के लिए धड़कता था। उस दौर की फिल्मी मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक सलमान सोमी को लेकर काफी सीरियस थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त सलमान की नजर ऐश्वर्या राय पर पड़ी और सलमान का दिल कब सोमी को छोड़कर ऐश्वर्या के लिए धड़कने लगा ये शायद खुद सलमान खान भी नहीं जानते होंगे। खबरों की माने तो एक इंटरव्यू में सोमी ने खुलासा किया था कि ऐश्वर्या की वजह से उनका और सलमान का रिश्ता टूट गया। सोमी इतनी परेशान हुई थी कि वो हिंदुस्तान छोड़कर चली गई थी। खबरों की माने तो आपको बता दें कि मंसूर अली की फिल्म जोश को करने से सलमान ने सिर्फ इसलिए इनकार किया था क्योंकि उस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था और वो ऐश्वर्या राय के भाई कभी बनना ही नहीं चाहते थे और इसी वजह से सलमान खान ने वो फिल्म करने से साफ साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने का बीड़ा उठाया था, यानी कि जिम्मा उठाया था और कई प्रोड्यूसर से उनकी सिफारिश भी की। सलमान की वजह से ही ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी फिल्म मिली। सलमान के दोस्त संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या को इस फिल्म में ब्रेक दिया। यही वो फिल्म थी जहाँ से सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। कहते हैं इस फिल्म में दोनों का शानदार केमिस्ट्री के पीछे उनकी असली मोहब्बत छुपी थी। ऐश्वर्या धीरे धीरे सलमान की जिंदगी में दाखिल होने लगी, वो उनके परिवार वालों के भी काफी ज्यादा करीब आ गई। बताया जाता है कि सलमान के दोस्त ऐश्वर्या राय को भाभी भाभी कहकर पुकारते थे। हालांकि खबरों की माने तो ऐश्वर्या के माता पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने सलमान से ऐश्वर्या को दूरी बनाने के लिए भी कह दिया था, जिसके बाद ऐश्वर्या राय अपने माता पिता का घर छोड़कर अकेली रहने लगी थी। इन दोनों की लव स्टोरी चल रही थी कि जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। एक दिन आधी रात को सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। सलमान ने गुस्से में 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी और सुबह 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे। और कहते हैं कि दरवाजा पीटते पीटते सलमान खान के हाथों में चोट लग गई थी। ऐश्वर्या ने सुबह 6 बजे दरवाजा खोला। सलमान के हंगामे के पीछे वजह ये बताई जाती है कि ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और उस वक्त पर शादी नहीं करना चाहती थी। इस घटना के बारे में सालों के बाद सलमान ने खुद एक इंटरव्यू में कबूला था कि वो ऐश्वर्या राय के घर भी गए थे और धीरे धीरे ऐश्वर्या ने सलमान का गुस्सा देखा और उसी वजह से कहा जाता है कि सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता खत्म हो गया। ऐश्वर्या सलमान खान के गुस्से से परेशान हो गई थी। वह जो भी हुआ, आज ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू है, अपनी जिंदगी में बेहद खुश है, एक बेटी की मां है। तो वहीं सलमान खान अभी तक बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर हैं और अभी तक सिंगर भी हैं। अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सलमान कब शादी करते हैं।
वेल, दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरह से ऐश्वर्या राय बच्चन को हाल ही में एयरपोर्ट पर ऑल ब्लैक लुक में देखा गया। तो वहीं सलमान खान जो है वो अक्सर ही ब्लैक कलर के कपड़ों में नजर आते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय को सलमान खान आज भी पसंद है और इसी वजह से वो आज कहीं ना कहीं उनकी याद में ज्यादातर ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए नजर आती है। वेल, इस खबर में कितनी सच्चाई है, इस यूजर की बात में कितनी सच्चाई है, ये तो ऐश्वर्या राय और सलमान खान ही जानते होंगे। लेकिन इन दोनों की प्रेम कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन आज भी इन दोनों की प्रेम कहानी के किस्से हर जगह मशहूर हैं। हर जगह सलमान और ऐश्वर्या को साथ देखने के लिए हमेशा एक्साइटेड नजर आते हैं। अब ये दोनों साथ कब नजर आएंगे वो तो हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो गया है हमारे आपका इस प्रोग्राम से विदा लेने का। हमको आपको अभी विदा देना पड़ेगा, लेकिन आप निराश न होइए। बॉलीवुड से जुड़ी कई तमाम चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए, रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।